तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप कैसे अपने क्लाउड स्टोरेज को, मल्टीपल क्लाउड स्टोरेज को, स्टोरेज स्पेसेस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ भी कभी भी में। कैसे उन्हें मैनेज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपकी ड्राइव भर गई है, आप उसे खाली करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आपसे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाके आप सारी अपनी जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे आपका गूगल की ड्राइव हो गई, वन ड्राइव हो गई, ड्रॉप बॉक्स हो गया, और भी जितना स्पेसेस आप यूज़ करते हैं सबको मल्टीपली आप एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने डिवाइसेस को एक साथ हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। हम अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको गूगल पर टाइप करना है MULT क्लाउड, CLOUD, ठीक है। मल्ट क्लाउड पर आप जाएंगे, पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मल्ट क्लाउड, इसको आप क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस, ये अभी मैं लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपको ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको साइनअप करना है। साइनअप करके आपको सिंपली अपना एक ईमेल आईडी देना है, जो कि जैसा कि मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है। आपको एक यूज़र नेम चूज़ करना है, एक पासवर्ड करना है, एक वैलिडेशन ये कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद ये सीधे क्रिएट अकाउंट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपके मेल पर, जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ दिया होगा विद इन सेकेंड्स आ जाएगा, और उसके बाद आपको वहाँ से बस उसे कंफर्म कर देना है, एक्टिवेट कर देना है अपना अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं, तो मैं आपको साइन इन करके दिखा रहा हूँ जी। ये देखिए जैसा कि मेरा साइन इन हो रहा है, हो गया है, और अभी मेरे पास देखिए इसमें ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, और पी क्लाउड है। पी क्लाउड में आपको अगर साइन अप करते हैं तो आपको 10 GB डेटा मिलता है, गूगल में आपको 10 GB मिलता है, ये मेरा एडिशनल 5 GB है। एक्चुअली मेरा वन ड्राइव जो था वो 5 GB था, जो कि भर गया था, जिसे मैं खाली करना चाहता था, तो मैंने रिसेंटली ही इसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र किया है, राइट। तो ट्रांसफ़र कैसे करना है, आप यहाँ से देखिए ये जो ऊपर है ट्रांसफ़र, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप यहाँ से देखिए आप अपनी ड्राइव्स को ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई गूगल ड्राइव है आपकी, दूसरे ईमेल से है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, वन ड्राइव फॉर बिजनेस है, अमेजन ड्राइव है, बहुत सारी यहाँ ड्राइव्स हैं जो आप इन बिल्ड इस पर मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास 3 ड्राइव हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है। तो इसके फोल्डर्स में आप जैसे वन ड्राइव में से गूगल ड्राइव है ये, ठीक है, मैं इसमें से अगर कुछ शिफ्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए कुछ स्पेस मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे अपना ये पिक्चर्स का फोल्डर है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको कट करूँगा, और उसके बाद जिस भी फोल्डर में मैं उसे चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉप बॉक्स में करना चाहता हूँ, ड्रॉप बॉक्स में जाके सिंपली मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। तो आप नीचे यहाँ राइट साइड में बॉटम में देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेस चालू हो गया है। ये आपके फोल्डर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसमें डेटा है, जो भी ट्रांसफ़र स्पीड ये लेगा उतनी जल्दी ये वर्क करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा और इजी और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप मल्टीपल अपने स्टोरेजेस डिवाइसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कोई कमेंट कर सकते हैं कि अगर हम कोई परेशानी हो रही तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझे बताएं और इनबॉक्स ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट मुझे शो करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जो कि ऐसी तरह का एक आपको यूज़फुल टिप्स देगी जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।